सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप कम प्राइस में ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एम्पलीफायर का रिव्यू देने वाला हूँ। इस एम्पलीफायर किट के साथ आप एक ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं, रिचार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है। ये किट मुझे ऑफलाइन मार्केट से मिला है 130 रुपीज का। इसका मैं अमेजोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। बात कर ले इस एम्पलीफायर किट की, तो इसमें आप दो स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दो स्पीकर के लिए इधर दे रखा है, स्पीकर के लिए एक यहाँ पर, एक स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले की तरह है, आप जस्ट मतलब आपने बैटरी को अटैच किया, स्पीकर अटैच किया, बन गया आपका स्पीकर। एक बॉक्स में डालना है तो आप बॉक्स में डालकर इसे अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। ये एम्पलीफायर किट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपना खुद का रिचार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को ऑडियो इनपुट देने के बहुत सारे तरीके देखने को मिल जाते हैं। एक तो ब्लूटूथ के थ्रू, दूसरा ऑडियो ऑक्स के थ्रू, तीसरा मेमोरी कार्ड के थ्रू, चौथा पेन ड्राइव जो भी है, कार्ड रीडर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब चार तरीके से आप इसमें ऑडियो इनपुट दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से आप लोग इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और इसी के अंदर आप लोगों को ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई आपको अलग से ऑन ऑफ स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और माइक्रो यूएसबी के थ्रू आप लोग इसका बैटरी चार्ज कर सकते हो। ये एक परफेक्ट किट है अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हो, तो ये एकदम परफेक्ट किट है। और अगर आप लोग रिमोट कंट्रोल वाला एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हो, ये भी वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इसके अंदर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। प्लस इसमें आप लोगों को रिमोट देखने को नहीं मिलेगा, ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होगा। हमारा ये वाला जो एम्पलीफायर है ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको प्ले पॉज नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा। बट इस वाले एम्पलीफायर में आप लोगों को एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और प्लस ये रिमोट से कंट्रोल होगा। सो डिपेंड करता है आप लोगों का यूजेस कहां पर है। अगर आप लोगों को ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है तो ये किट आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को स्विच भी देखने को मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी भी देखने को मिल जाता है, अलग से आपको कोई चार्जिंग मॉड्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट इस केस में क्या है, इसमें आप लोगों को अलग से चार्जिंग मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, प्लस स्विच भी नहीं है। सो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का यूजेस कहाँ है। सो अगर आप लोग एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हो नॉर्मल सा, तो ये किट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। फॉर इजी सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स विजिट utsource.net। हियर यू विल फाइंड ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इन बोथ थ्रू होल एंड सरफेस माउंट। दे ऑल्सो ऑफर ग्लोबल शिपिंग सर्विस, सो कैन डिलीवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यू कैन अपलोड बोम फाइल और सिंपली सर्च कंपोनेंट्स इन द सर्च बार। And here you have it. Also, you will be able to download technical data sheet of each and every component. Simple add your components to cart, choose shipping service and then proceed to checkout. UTSource website link is in description. Make sure to check out. So, अब इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग भी बहुत इजी, मैं आप लोगों को इससे पहले इसके पोर्ट के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ इसका स्पीकर्स और वायर कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो लिखा हुआ है BAT बैटरी। यहाँ पर बैटरी हमारा कनेक्ट होगा, स्पीकर यहाँ पर हमारा एक कनेक्ट होगा और यहाँ पर एक हमारा स्पीकर कनेक्ट होगा। ये एंटीना है, इसके अंदर आप लोगों को FM भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एंटीना के लिए आप वायर सोल्ड कर सकते हो, माइक के लिए भी यहाँ पर अलग से ऑप्शन दे रखा है। बहुत इजी वायरिंग है, कुछ नहीं है, आप लोगों को बस दोनों स्पीकर कनेक्ट करना है और एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करना है। रिचार्जेबल तो है ही, इस पर रिचार्जेबल का मॉड्यूल इसमें ऑप्शन है ही, तो आप बैटरी को चार्ज भी कर पाएंगे आराम से। तो चलिए बढ़ते इसकी वायरिंग की तरफ। सो यहाँ पर मैंने 5-5 वॉट की स्पीकर ले लिया है। आप 2 वॉट से लेकर 5 वॉट तक का स्पीकर इस एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें फटाफट से हम लोग वायर सोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर में वायर कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट करते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि स्पीकर का प्लस प्लस में लग रहा है और माइनस माइनस में लग रहा है। जब अगर आप लोग मॉड्यूल में कनेक्ट कर रहे होगे स्पीकर के वायर्स, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ आपके लोगों के लिए एम्पलीफायर से रिलेटेड खासकर। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आ ही रहा होगा तो लाइक भी कर दो। लाइक करने में आपको कितना ही टाइम जाएगा, करो करो, मैं देख रहा हूँ। सो हमारा एम्पलीफायर ऑलमोस्ट डन है, बट इससे पहले बैटरी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्री एनर्जी पे तो हमारा एम्पलीफायर वर्क करने वाला है नहीं, है ना। सो यहाँ पर मैं लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करें, और अगर हो सके तो 2-3 पैरेलल में बैटरी को कनेक्ट कर लेना, जिससे कि आप लोगों का जो बैटरी बैकअप है वो भी इंक्रीज हो जाएगा।
सो यहाँ पर हमारा बैटरी भी कनेक्ट हो चुका है। हमारा एम्पलीफायर बनकर रेडी। कितना टाइम लगा, मतलब कितना ही टाइम लगा इस एम्पलीफायर को बनाने में, देख रहे हो कितना ईजी था। और अगर हो सके तो इस एम्पलीफायर को आप लोग बॉक्स में डाल देना, इसे ऑन करके देखते कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ और इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। देख लेता हूँ पहले नाम क्या है इस मॉड्यूल का, BT007C इस मॉड्यूल का नाम है। कनेक्ट कर लेते हैं, पेयर का ऑप्शन आ रहा है, पेयर पे क्लिक कर लेते हैं। पेयर्ड हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। लेट्स प्ले। सो यूट्यूब से मैं कुछ नो कॉपीराइट साउंड प्ले कर रहा हूँ, म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। तो बटन की हेल्प से आप लोग वॉल्यूम को हाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सॉन्ग को पॉज कर सकते हो। ये तीनों जो बटन है इसकी हेल्प से। और लॉन्ग प्रेस करोगे तो वॉल्यूम हाई होगा, और वन बार क्लिक करोगे तो फिर जो सॉन्ग है वो चेंज हो जाएगा। तो बात कर ले इसके ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग इस एम्पलीफायर को बॉक्स के अंदर, एक टाइट बॉक्स के अंदर डालते हो तो जो आवाज़ है आउटपुट है वो और भी अच्छा आएगा। और लेट्स सी ये चार्ज होता है या फिर नहीं होता है, इसमें जो चार्जिंग मॉड्यूल दिया है। सो यहाँ पर मैंने पावर बैंक ले लिया है इसे देखने के लिए कि हमारा बैटरी चार्ज होता है या फिर नहीं। ये देखिए यहाँ पर लाल लाइट जल रहा है, जब हम लोग चार्जिंग पे लगाएंगे तो हमारा लाल LED इंडिकेट करेगा। मैं पावर बैंक का वायर निकाल रहा हूँ, ये देखिए लाल लाइट बंद हो गया। अभी मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ पावर बैंक से, ये देखिए यहाँ पर लाल लाइट चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है आपको कि कोई अलग से चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ नहीं करना पड़ रहा, प्लस बटन भी इसी के अंदर है। ये रेडी टू यूज़ एम्पलीफायर इसे आप कह सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है, ब्लूटूथ स्पीकर बनाना, तो ये एम्पलीफायर आप लोगों के लिए परफेक्ट एम्पलीफायर रहेगा। कितना टाइम लगा दो स्पीकर कनेक्ट करने में और एक बैटरी को कनेक्ट करने में, और हमारा एम्पलीफायर बनकर रेडी है। और कितना ही टाइम लगेगा आप लोगों को ये सब चीज़ एक बॉक्स के अंदर डालने में, है ना। कितने कम प्राइस में आप लोगों का ये ब्लूटूथ स्पीकर बनकर रेडी है। एंड सॉरी, मेरे पास फिलहाल में कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जिससे कि मैं आप लोगों को मेमोरी कार्ड से भी प्ले करके दिखाता, और ऑक्स से भी नहीं प्ले करके दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ऑक्स केबल भी नहीं है। बट ये वर्क करेगा, मैंने आप लोगों को मैंने ब्लूटूथ से प्ले करके दिखाया ना। अभी मैं आप लोगों को कोई एक कॉपीराइट साउंड भी प्ले करके दिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।